तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SL वर्सेज IND, श्रीलंका वर्सेज इंडिया। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है ये फर्स्ट ODI मैच होने वाला है। अभी रिसेंटली जो है T20 मैचेस खेले गए हैं, 3 T20 मैचेस खेले गए थे जहां पर तीनों के तीन मैच जो है इंडिया की टीम ने विन किया था। ये वाला जो मैच है ना ये ODI मैच है, तो ध्यान रखिएगा इस मैच में जो है आपको ODI की तरह जो है स्टैट्स बताऊंगा और आपको ODI की तरह जो है ये मैच समझना पड़ेगा। डायरेक्टली जो है मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो है वेन्यू के बारे में बता दे, आर प्रेमदास स्टेडियम जो है कोलंबो के वेन्यू पे ये मैच होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट के 10 मैचेस में टोटल जो है विकेट्स की बात अगर की जाए तो भाई 76 विकेट जो है फास्ट बॉलर को यहाँ पर मिली है और 67 विकेट जो है स्पिनर्स को मिली है। तो लगभग जो है इक्वल विकेट्स है, लगभग यहाँ पर जो है स्पिनर्स को भी विकेट मिलती है और फास्ट बॉलर्स को भी विकेट मिलती है। रन जो है यहाँ पर बनते हैं, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे तो भाई श्रीलंका का यहाँ पर जो है सबसे लोवेस्ट स्कोर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे श्रीलंका जो है 50 रन पे पूरी ऑल आउट हो गई थी। मोहम्मद सिराज ने इसी जो है मैच में आई थिंक जो है 6 या 7 विकेट जो है निकाले थे और इस वेन्यू पे इंडिया का जो है हाईएस्ट स्कोर है 375 रन और श्रीलंका का लोवेस्ट स्कोर है 50 रन। तो देख सकते हो कि इंडिया की टीम यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा जो है खेलती है। और टोटल मैच अगर आप देखोगे 135 जो है यहाँ पर जो है खेले गए हैं और 79 यहाँ पर जो है बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने जो है विन किया है और 56 बार जो है बैट सेकंड करने वाली टीम ने जो है विन किया है। एवरेज स्कोर जो है 180 प्लस आपको ही देखने के लिए मिलेगा और ये 250 के नियर अबाउट जो है जा सकता है। तो गाइस वेन्यू स्टैट्स आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको फाइनल अपडेट्स जो है देखने के लिए मिलने वाली है। अब हम यहाँ पर जो है श्रीलंका की प्लेइंग 11 देखते हैं। श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात की जाए, पी निशांका के साथ में जो है अविष्का फर्नांडो ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे जो है के मेंडिस है, उसके बाद जो है सदीरा समर विक्रमा है, चरिता असलंका है, जैत लिंगे है, वेंडू हसरंगा है, महेश दीक्षाना है, असिता फर्नांडो है, एम पथिराना है और दिलशान मधुसंका है। ये श्रीलंका टीम की जो है प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब प्लेयर के स्टैट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो है पी निशांका रिसेंट फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट हैंडेड बैट करते हैं। हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो भाई 4 मैचेस खेले हैं, 80 रन है और वेन्यू पर अगर आप देखोगे भाई 7 मैचेस में 229 रन है। कौशल मेंडिस की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट फॉर्म इनका देख सकते हो काफी जबरदस्त है, और हालांकि अगर आप देखोगे हेड टू हेड में तो हेड टू हेड में भी जो है इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है भाई, 38 का एवरेज है जो कि कमाल का है। और इसके अलावा आप जो है वेन्यू पर भी इनके रिकॉर्ड देख सकते हो, 16 मैचेस में 461 रन है 29 की एवरेज से, तो काफी डिसेंट सा इनका जो है स्टैट्स है, अच्छा स्टैट्स है, आप जो है बोल सकते हो कि हाँ भाई इनके रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट में अच्छे हैं। अब इसका फर्नांडो की बात करें तो भाई इनको इग्नोर ही करना मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो है लगभग फ्लॉप रहेंगे। सदीरा समर विक्रमा को भी जो है आपको इग्नोर करना है, ये भी प्लेयर जो है किसी काम के नहीं आने वाले। हालांकि ग्रैंड की टीम में आपको जो है इनको लेके जाना चाहिए क्योंकि ये प्लेयर इसमें से स्पेशली अगर जो है सदीरा समर विक्रमा टिक गया ना तो ये लंबी इनिंग्स जो है खेल के बंदा जाता है। चरिता असलंका की बात करें तो 1-2 ओवर शायद से आपको करते हुए भी दिख जाए, और अगर आप जो है स्टैट्स देखोगे तो स्टैट्स में वेन्यू पर स्टैट्स काफी अच्छे हैं, 15 मैचेस में भाई 642 रन है 49 की एवरेज से। बाकी हेड टू हेड में अगर आप देखोगे 8 मैचेस में 171 है रन है 24 की एवरेज से, तो उतना अच्छा नहीं है। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो रिसेंट फॉर्म में भी जो है कुछ खास नहीं है। हसरंगा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, पूरे 10 ओवर करेंगे और ये बंदा जो है आपको बता दें कि बैट बॉल दोनों करता है, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हसरंगा को जो है आप अपने टीम में जरूर से रखिएगा। अब हम बात करें जैत लिंगे की, तो भाई ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा 1 से 2 विकेट आपको निकाल के दे देगा और कुछ रन भी आपको करके जो है ये बंदा देने वाला है। और अगर आप वेन्यू पे इनका जो है रिकॉर्ड देखोगे तो भाई अच्छा है, 59 की एवरेज जो है इनकी काफी कमाल की है। दिलशान मधुसंका जो है यहाँ पर वापस आ गए हैं, T20 में जो है एक ही मैच खेला था। यहाँ पर अगर आप इनके स्टैट्स देखोगे तो वो सारी चीजें हमने लिखी है। हेड टू हेड में जो है जबरदस्त है भाई, 2 मैचेस में 6 विकेट है, तो हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू पर भी 3 मैचेस खेले हैं जिसमें जो है 4 विकेट है। पथिराना की अगर मैं बात करूं, रिसेंटली आपने देखा होगा T20 में विकेट्स लेके जा रहे थे भाई, अच्छे विकेट्स लेके जा रहे थे, इनका एक्शन काफी लाजवाब है। रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, हेड टू हेड के 2 मैचेस में जो है 5 विकेट है और वेन्यू पर 4 मैचेस में जो है 5 विकेट है, तो वेन्यू पर भी रिकॉर्ड अच्छा है और इंडिया के अगेंस्ट में भी जो है रिकॉर्ड ठीक ठाक है। असिता फर्नांडो की अगर हम बात करें, असिता फर्नांडो रिसेंट फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, हेड टू हेड और वेन्यू पर रिकॉर्ड इनका देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाला है।
तिक्षाना की बात करें, महेश तिक्षाना जो है इन्होंने लास्ट मैच में जो है विकेट्स निकाले थे और अच्छा किया था, और ये इनका रिसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट है, और जो है बिल्लू पर 9 मैचेस में 17 जो है रन है। ग्रैंडी की टीम में जो है इनको ट्राई करिएगा, बाकी स्मॉल लीग में जो है आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हो, ग्रैंडी की टीम में ये प्लेयर जो है आपके काम आ सकता है। इंडिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो यहां पर आपको बता दें, रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल ओपन करते हुए नजर आएंगे, वन डाउन पे विराट कोहली है, उसके बाद श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, और यहाँ पर हर्षित राणा है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है, वो यहाँ पर रहने वाला है हर्षित राणा का, या फिर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो है रियान पराग। ठीक है, तो ये चीज जो है ध्यान में रखिएगा कि रियान पराग खेलेंगे या फिर हर्षित राणा, दोनों का जो है डेब्यू मैच होने वाला है, कोई ना कोई एक प्लेयर का डेब्यू यहाँ पे 100% रहने वाला है। तो प्लेइंग 11 लगभग यही रहेगी, और हर्षित राणा खेलेंगे तो लगभग आपको 11 नंबर पर दिखाई देंगे, रियान पराग अगर खेलते हैं तो वो यहाँ पर जो है आपको शिवम दुबे के जो है साथ में यहाँ पर या फिर उसके ऊपर जो है बैट करते हुए आपको जो है दिखाई दे सकते हैं, और कुछ बॉल भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइस जब बात की जाए प्लेयर के स्टैट्स की, तो अगर आप देखोगे रोहित शर्मा रिसेंट फॉर्म हम आप देख सकते हो, अच्छा है रिसेंट फॉर्म, और ये काफी बड़ा प्लेयर है भाई, ओडीआई का तो हीरो है, और हेड टू हेड में आप अगर स्टैट्स देखोगे तो काफी लाजवाब है। 45 का एवरेज है, बन्नू पर 12 मैचेस खेले हैं, 305 रन है 28 के एवरेज से। शुभमन गिल का अगर आप देखोगे इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, और अगर आप हेड टू हेड में देखोगे तो रिकॉर्ड काफी टॉप नॉच है। बन्नू पर अगर आप देखोगे तो भाई इनका रिकॉर्ड और भी खतरनाक है, 75 का एवरेज है, 4 मैचेस में 225 रन है। तो हर जगह जो है शुभमन गिल के जो है खतरनाक आपको स्टैट्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही लाजवाब जो है स्टैट्स है ओडीआई में, स्पेशली जो है शुभमन गिल का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम जो है किंग को यहां पर खेलते हुए दिखाई देंगे, देख सकते हैं आज के वाले मैच में, लास्ट मैच में 76 किए हैं, और अगर आप देखोगे तो भाई 51 मैचेस में जो है टोटल यहां पर आप देख सकते हो भाई 63 की एवरेज है, और वेन्यू पर अगर आप देखोगे तो इनका रिकॉर्ड जो है बहुत खतरनाक है भाई, 107 की एवरेज से 10 मैचेस में भाई 644 रन है। श्रेयस अय्यर जो है आपको बता दें कि ये भी प्लेयर जो है अंडर रेटेड रहेगा, टॉप ऑर्डर में अगर कोई फेल हो जाता है ना उस कंडीशन में बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। केएल राहुल इन पर भी निगाहें रहेंगी, T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, तो मे बी अगर टॉप ऑर्डर यहाँ पर फेल होता है उस कंडीशन में जो है अच्छा करके आपको दे सकते हैं। वेन्यू पर रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और हेड टू हेड में जो है डिसेंट सा रिकॉर्ड है। शिवम दुबे भी जो है अगर आप बता दें टॉप ऑर्डर फेल होगा उसी कंडीशन में ये प्लेयर जो है काम आएंगे, केएल राहुल और जो है शिवम दुबे। कुलदीप यादव यहाँ पर जो है ये जो है स्पिनर काम आएगा आपके, ध्यान रखिएगा। अक्षर पटेल तो भाई बैट बॉल दोनों कर लेते हैं, तो ये दोनों जो है काम आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन दोनों में से कोई ना कोई एक चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा जो है सिराज, ये जो है भाई अगर आप देखोगे तो इनका रिकॉर्ड श्रीलंका के अगेंस्ट में कुछ अलग ही लेवल का है, 6 मैचेस में 19 विकेट है, तो देख सकते हो बहुत खतरनाक जो है इनका स्टैट्स है। वेन्यू पर 3 मैचेस में जो है 7 विकेट है, और इस वेन्यू पर जो है लास्ट मैच में जो है श्रीलंका को इन्होंने जो 50 रन पे ऑल आउट किया था, तो आई थिंक 5 विकेट जो है इन्होंने लिए थे, ये आप इनका रिसेंट फॉर्म भी देख सकते हो। अर्शदीप सिंह का भी हमने जो है यहाँ पर रिसेंट फॉर्म लिखा हुआ है, हेड टू हेड में आपको स्टैट्स नहीं मिलेगा, वेन्यू स्टैट्स आपको जो है इनका ओडीआई में नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हर्षित राणा की, तो हर्षित राणा जो है रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, हेड टू हेड में और वेन्यू रिकॉर्ड इनका नहीं मिलेगा। गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब ड्रीम इलेवन पे चलते हैं, जहां पे अपनी जो है हम टीम रेडी करेंगे, जो कि हमारी टीम रहने वाली है 3 मेंबर और 4 मेंबर की टीम रहेगी। तो दोस्तों यहां पर हम अपनी टीम रेडी करते हैं श्रीलंका वर्सेज इंडिया, ये मैच जो है 2:30 पे स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग का स्पेशली जो है ध्यान रखिएगा। क्रिएट टीम पे क्लिक कर रहा हूँ, और भाई लोकेश राहुल, कौशल मेंडिस, आपको जो है दो ऑप्शन अच्छी ऑप्शंस मिलती है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोनों को जो है लेके अगर जा सकते हो तो दोनों को लेके जाओ। हालांकि लोकेश राहुल का थोड़ा सा बैट ऑर्डर नीचे है, यहाँ पर ऋषभ पंत आपको खेलते हुए ना दिखाई दे, कौशल परेरा कुछ खास ऑप्शन नहीं है, अगर खेलेंगे भी तो इग्नोर करके आप जा सकते हो। बैट में अगर मैं बात करूं विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तीनों को अपनी टीम में आप रखिएगा। डिफरेंशियल करना चाहते हो तो श्रेयस अय्यर, निशाका और दिरा समर विक्रमा, चरता असलांका, शिवम दुबे, आपको ये 5 अच्छी ऑप्शंस मिलती है। ग्रैंडली की टीम में आप जो है शिवम दुबे को ट्राई कर सकते हो, और साथ ही साथ असलांका को भी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों जो है बॉल भी कर लेते हैं।
ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं, हसरंगा हमारी टीम में डायरेक्टली आएंगे। मैंने अक्षर पटेल को भी अपनी टीम में लिया है। यहां पर सुंदर के साथ में जाने का मन है क्योंकि ये बंदा जो है बॉल करके आपको जो है विकेट्स निकाल के दे सकता है। ध्यान रखिएगा अच्छी ऑप्शन जो है रहने वाले हैं सुंदर, तो सुंदर को जो है सुंदर काम करते हुए आप देख सकते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है रियान पराग भी खेलने के चांसेस हैं, अगर खेल गए तो जो है अच्छी इनिंग्स आपको दे सकते हैं। मैं जो है अपनी टीम में नहीं ले पाया हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर तो भाई जो है मैंने अर्शदीप सिंह को लिया है और कुलदीप यादव को अपनी टीम में लिया है, दोनों को अपनी टीम में लिया है। गाइस यहाँ पर जो है मैंने न्यूज जब ये स्क्रिप्ट आई थी तो न्यूज शायद से नहीं देखा था, पथिराना और दिलशान मधुसंग का अवेलेबल नहीं है, तो इनकी जगह पे जो है अकीला धनंजया और डोनिथ मेंगीले और जो है ये खेल सकते हैं। तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, आपको प्लेइंग इलेवन में मैंने जो है गलत से यहाँ पर दिलशान मधुसंग और एम पथिराना ये दो प्लेयर जो है यहाँ पर बता दिए हैं। तो यहाँ पर हम जो है सिराज को लेके चलते हैं जो कि जो है काफी अच्छा स्टैट्स रखते हैं, और किसके अगेंस्ट में तो भाई जो है श्रीलंका के अगेंस्ट में। और यहाँ पर एकमात्र बॉलर मैं डोनिथ मेंगीले को अपनी टीम में जो है प्रेफर कर रहा हूँ अभी के लिए। सीबीसी की बात करें तो हसरंगा मेरे कैप्टन रहने वाले हैं, और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार यहाँ पर विराट कोहली को मैंने जो है वाइस कैप्टनसी जो है दी हुई है। टीम प्रीव्यू की बात कर लेते हैं गाइज, अगर टीम प्रीव्यू में देखोगे तो तीन प्लेयर श्रीलंका के हैं, आठ प्लेयर जो है इंडिया के मैंने लिए हैं। कौन कौन से प्लेयर है हमारी टीम में, तो यहाँ पर जो है लोकेश राहुल है, कौशल मेंडिस है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, अक्षर पटेल है, वेंडू हसरंगा है, कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह है और डोनिथ मेंगीले है। ये हमारी टीम रहने वाली है श्रीलंका वर्सेज इंडिया मैच के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और वीडियो को आपने जो है लाइक कर दिया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक आप लोग जरूर से करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर से प्रेस कर दें। ऐसे ही चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।